हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ चाट की रेसिपी जो बनाने में भी बहुत मज़ेदार है और खाने में भी बहुत ही लाजवाब है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम लेंगे 3 प्याज। प्याज को हमें अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद हमें इसे बराबर के हिस्सों में से काटना है। ये देखिए, काटने के बाद जो आगे की तरफ प्याज का हिस्सा रहता है उसे साफ़ कर लेंगे। ये देखिए, और दूसरे को भी हम इस तरह से साफ़ कर लेंगे। तीनों प्याज को हम इसी तरह से बीच में से बराबर काट लेंगे। प्याज हमारे कट चुके हैं, अब हम इन्हें इनकी जो लेयर्स हैं उन्हें निकालना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इन्हें हमें थोड़ी ध्यान से निकालना है। कई बार ये निकालते समय टूट भी जाती हैं, लेकिन ये ईजी ही निकल आती हैं। ये देखिए, हमने सारे प्याज की जो लेयर्स हैं वो निकाल ली हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, और ये देखिए प्याज की लेयर्स को, ये बन गई ना बिल्कुल कटोरी जैसी। इसी तरह से हमने इन्हें तैयार कर लिया है। एक बाउल में लेंगे 1 कप बेसन और इसके साथ डालेंगे 1 चम्मच चावल का आटा। ये देखिए, अब हम लेंगे स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, साथ में ही डालेंगे हल्दी पाउडर और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसका गाढ़ा घोल बनाना है। ना ही ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। ये देखिए, परंतु इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए और ये गाढ़ा घोल इस तरह का होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, बेसन का घोल भी बनकर तैयार है। इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। बाउल में लेंगे उबले हुए काले चने। ये देखिए, इसके अंदर डालेंगे टमाटर और साथ में ही डालेंगे अब हम प्याज। इन्हें मैंने बारीक काट लिया है और इसके साथ ही हम लेंगे खीरे को काट कर, क्योंकि गर्मियों में चाट में खीरा खाना भी अच्छा लगता है। डालेंगे उबले हुए आलू और अब हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, और आधा नींबू निचोड़ लेंगे। आप नींबू कम या ज़्यादा भी टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं। और इसे निचोड़ने के बाद अच्छी तरह से मिला लेंगे और हमारे इंस्टेंट में ही जो छोले की चाट है वो बनकर रेडी है। इसके ऊपर अब हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, ये रेसिपी इतनी टेस्टी है कि आप इसे झटपट से बना लेंगे। अचानक से मेहमान आ जाए तो उसे भी आप बहुत ही जल्दी बनाकर खिला सकते हैं। या कभी बच्चों का मन करें तो आप उन्हें भी ये अलग तरह की चाट बनाकर खिला सकते हैं। चाट भी हमारी बनकर रेडी है। अब हम जो प्याज की लेयर्स हैं उन्हें बेसन के अंदर डिप करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वीडियो में, और इस तरह से बीच में से खाली करके सिर्फ हल्की सी कोटिंग करके बेसन के घोल की इन्हें हम तलेंगे गरम तेल में। आप चाहे तो रिफाइंड ले सकते हैं, चाहे तो सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे उसी तरह से बना लीजिए। और अब हम इन्हें दोनों तरफ से अलटते पलटते हुए सेक लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। देखिए फ्रेंड्स, जो प्याज की कटोरियाँ हैं वो भी हमारी इतने अच्छे से गोल्डन ब्राउन होकर तैयार हो गई हैं। इन्हें अब हम छलनी से निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, और ये बहुत ही कुरकुरी बनी है क्योंकि हमने इसके अंदर चावल का आटा भी मिलाया है, इसलिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो कटोरियाँ हैं वो बनकर तैयार हैं। अब हम दूसरी कटोरियों को भी निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम सारे प्याज की जो कटोरियाँ हैं उन्हें फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, जो कटोरियाँ हैं वो रेडी हैं। इन्हें सर्व करते समय इस तरह से प्लेट में लगाएंगे, और लगाने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे, ये देखिए, छोले की चाट, जो खाने में भी बहुत हेल्दी है और जिसका स्वाद भी इनके साथ लाजवाब आएगा। यानी कि बाहर से क्रंची और अंदर से चटपटी खट्टी मीठी चाट। ये देखिए फ्रेंड्स, ऊपर से डालेंगे सॉस। आप चाहे तो यहाँ पे मीठी इमली की चटनी भी डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पर टमाटो सॉस का यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, और इसी तरह से सॉस रखने के बाद अब हम डालेंगे इसके अंदर धनिया पुदीने की चटनी, हरी मिर्च वाली, जो हल्की सी तीखी भी है। और ऊपर से डालेंगे आलू भुजिया। ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें वरना स्किप कर दीजिए, पर इससे इसका स्वाद और भी अच्छा आता है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो चाट है वो बनकर तैयार है और कितनी झटपट से बन गई है। अब हम इसे लास्ट में गार्निश करेंगे धनिया पत्ती से, जो इसकी
सजावट में चार चांद लगा देगी। आप भी इस रेसिपी को बनाइए और खाइए। अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।